मरुधरा की सियासत में इन दिनों पूर्वी राजस्थान को लेकर सियासी हलचलें तेज हैं। कांग्रेस ने ERCP के मुद्दे पर भाजपा को घेरने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है, लिहाजा अब कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ ऐलान जंग कर दी है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। माकन ने कहा कि राजस्थान की जनता को अब उसका हक दिलाकर ही रहेंगे। अगर मैं तो दिल्ली से आता हूं और अगर पूरे देश का हिसाब लगाया जाए, पूरे देश का क्षेत्रफल का हिसाब लगाया जाए तो राजस्थान पूरे देश का 10.4% क्षेत्रफल का हिस्सा राजस्थान का है और 10.4% क्षेत्रफल के अंदर राजस्थान है। लेकिन अगर पानी की बात करें तो यहां पर सतह के ऊपर पूरे देश के अंदर जितना पानी है उसका मात्र 1.16%। अगर अंडरग्राउंड पानी की बात करें तो पूरे देश के अंदर जितना अंडरग्राउंड पानी है उसका मात्र 1.72% मात्र। तो आप सोचिए जितना क्षेत्रफल है उसके मुकाबले 10 गुना कम पानी राजस्थान के अंदर है, 10 गुना कम पानी। मैं आज आप लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि वो ये बता दें कि ये राजस्थान जहां पर अपने क्षेत्रफल से अनुपात के अंदर 10 गुना कम पानी है उसके यहां पर पानी नदियों में से आकर के समुद्र में बह जाता है और यहां पे प्यासे लोगों को पानी पिलाने के लिए, खेती के लिए, जमीन में पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या इससे ज्यादा कोई महत्व की चीज राष्ट्र के लिए हो सकती है क्या वो बताएंगे? और अगर नहीं हो सकती तो क्यों नहीं वो अपने वायदे के ऊपर खरा उतर रहे हैं? केवल सिर्फ सिंपल एक प्रश्न ये पूछना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से बड़े विनम्र शब्दों में हाथ जोड़ करके, हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं राजस्थान का प्रभारी होने के नाते राजस्थान की जनता की तरफ से उनको याद दिलाना चाहता हूं जो 2018 में उन्होंने कहा। उन्हें विनती उनके साथ में करना चाहता हूं कि या तो ये बता दें कि 10% क्षेत्रफल को केवल 1% पानी जहां पर उपलब्ध है उससे ज्यादा कोई राष्ट्र महत्व की चीज है तो वो बता दे, नहीं तो इसको इसी वक्त राष्ट्र महत्व की योजना डिक्लेयर करके राजस्थान से बदल। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि किसी प्यासे को पानी पिलाने से ज्यादा बड़ा पुण्य का काम नहीं होता और ये पानी हमारा समुद्र के अंदर आकर के बह जाता है, उसको यहां पे राजस्थान के प्यासी मरुभूमि के अंदर हमारी अपनी पार्टी की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने 9400 करोड़ रुपया बजट के अंदर, 9600 करोड़ रुपया बजट में एलोकेट कर दिया। पानी हमारा, पैसा हमारा राजस्थान का, और वो कह रहे हैं कि पानी भी आपका, पैसा भी आपका, फिर भी खर्च नहीं कर सकते। तो इससे ज्यादा राजनीतिकरण इस चीज का नहीं हो सकता जिसकी हम लोग भर्तना करते हैं। आज अगर ये परियोजना पूरी होती है तो राजस्थान के अंदर 41% राजस्थान की आबादी को फायदा होगा, 41%। आज अगर ये योजना पूर्ण होती है तो 24% राजस्थान के क्षेत्रफल के अंदर फायदा होगा। इतनी बड़ी परियोजना ये यहां पर है और ये कोई परियोजना इस तरीके की नहीं होती है कि एक साल में, छह महीने में बन गई। 2005 में मीटिंग हुई थी जिसके अंदर मध्य प्रदेश भी, राजस्थान भी और केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, उसमें सारी बातें तय हुई। 2010 के अंदर CWC सेंट्रल वाटर कमीशन के सामने तय होकर के सारी की सारी चीजों के ऊपर एकदम सीमेंट तक गया था कि यह परियोजना होगी। इस परियोजना के अंदर जब फाइनल DPR बना तो उसके कंसल्टेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने भी हां करा। 2018 के अंदर प्रधानमंत्री खुद बोल करके गए कि यह राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए। उसके बाद जब राजस्थान की सरकार कहती है कि आप राष्ट्रीय महत्व की परियोजना, नेशनल इंपॉर्टेंस आप घोषित करें, 90% पैसा केंद्र सरकार, 10% हम देने को तैयार है, उसके ऊपर चुप्पी खा जाते। उसके बाद में भी जब वो ये भी घोषणा नहीं करते तो राजस्थान की सरकार ये कहती है आप अपना करते रहे, हम प्यासे अपने लोगों को नहीं रखना चाहते, 9600 करोड़ रुपया बजट में हम अलग से देकर के आते हैं, उसके ऊपर दिए रहते।
तो प्रधानमंत्री महोदय, हमारा सिर्फ यही निवेदन है, आप हर चीज में राजनीति करें लेकिन प्यासे के मुंह तक पानी जाने के ऊपर राजनीति करना बंद कर दें। ये राजस्थान की जनता करने की इसको बर्दाश्त नहीं करेगी।